सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2019 का टूर्नामेंट भारतीय टीम के सभी फैंस व खिलाड़ियों के लिए भारतीय टीम की हार के साथ खत्म हो चुका है। आपको बता दें कि 9 जुलाई को भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में जो सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया था उसमें भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा। भले इस मुकाबले में भारतीय क्रिकेट टीम 18 रनों के छोटे अंतर से हारी हो लेकिन यह मुकाबला अपने आप में इतना ज्यादा रोमांचक रहा कि शायद इतिहास में इस मुकाबले को तो हमेशा याद रखा जाएगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि एक सेमीफाइनल वनडे मुकाबला 2 दिनों तक चला था जिसमें शुरुआत से जीत रही भारतीय क्रिकेट टीम को हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि महज 92 रनों पर ही भारतीय क्रिकेट टीम के 6 विकेट गिर चुके थे। ऐसे में महेंद्र सिंह धोनी ने रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर अपनी टीम के लिए 116 रनों की एक बेहद ही महत्वपूर्ण व जोरदार पार्टनरशिप निभाई। साथ ही महेंद्र सिंह धोनी अब गेम को उस मोड पर लेकर जा चुके थे जहां भारतीय टीम की जीत लगभग तय थी लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। 10 गेंदों पर भारतीय टीम को 25 रन बनाने थे। महेंद्र सिंह धोनी ने एक छक्का कर अपनी जीत का विबुल बजाना शुरू कर दिया था लेकिन जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि तकदीर को कुछ और मंजूर था। धोनी अचानक से रन आउट हो गए और भारतीय टीम इस जीते हुए मुकाबले को हार गई। खैर दोस्तों अब नतीजा यही है कि भारतीय क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप की दौड़ से तो पूरी तरीके से बाहर हो चुकी है। दोस्तों जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सेमीफाइनल में भारतीय टीम की हार के बाद भारतीय टीम के सभी खिलाड़ियों पर सवाल उठने लगे हैं। साथ ही दोस्तों भारतीय टीम की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल तो उठ रहा है कप्तान विराट कोहली की कप्तानी को लेकर। जैसा कि हमने सभी देखा कि वर्ल्ड कप में शिखर धवन के बाहर होने के बाद भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम पूरी तरीके से डगमगा गया। केएल राहुल ने ओपनिंग जोड़ी में उनकी जगह जरूर ली लेकिन उसके कारण मिडिल ऑर्डर में काफी ज्यादा खलबली मची रही। कोई भी खिलाड़ी केएल राहुल की जगह लेने में पूरी तरीके से नाकाम रहा। ऋषभ पंत ने अच्छा प्रदर्शन तो करके दिखाया लेकिन वह भी अपनी पारियों को बड़ी पारियों में तब्दील न कर सके और इन सभी कारणों को एक बड़े कारण से जोड़ा जा रहा है जो कि है कप्तान विराट कोहली की खराब कप्तानी। दोस्तों आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में भारतीय टीम के सफर के खत्म होने के बाद सबके सामने यही खबर आ रही थी कि शायद धोनी संन्यास ले लेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ जिसका मतलब साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी अभी आपको अगले 2 या 3 सालों तक और क्रिकेट खेलते हुए दिख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको एक चौंकाने वाली बात यह भी बता दें कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप, एशिया कप, टेस्ट चैंपियनशिप व नेटवेस्ट ट्रॉफी को जीतने जैसे कई बड़े खिताब अपने नाम किए हैं। जबकि अगर कप्तान विराट कोहली के आंकड़ों की बात करी जाए तो उन्होंने भले ही भारतीय टीम को कई बड़ी सीरीज जिताई हो लेकिन आज तक एक भी ICC का टूर्नामेंट भारतीय क्रिकेट टीम विराट कोहली की कप्तानी के अंडर नहीं जीती। यहाँ तक कि निदाहस ट्रॉफी व एशिया कप भी रोहित शर्मा भारतीय टीम को जिता कर लाई थी। ऐसे में यह बात तो साफ है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम का हिस्सा रहते हैं तो शायद वेस्टइंडीज दौरे पर उन्हें भारतीय टीम का कप्तान बनाया जा सकता है। दोस्तों आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, अगर महेंद्र सिंह धोनी भारतीय टीम के कप्तान बन जाते हैं तो शायद भारतीय क्रिकेट टीम हर जगह एक बार फिर से जीतती हुई चली जाएगी। तो चलिए दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर क्या होगी संभावित 15 खिलाड़ियों की टीम जो कि आप सभी को वेस्टइंडीज दौरे पर खेलती हुई दिखेगी। टीम में आप सभी को वाइस कैप्टन के तौर पर खेलते हुए दिखेंगे विराट कोहली। इसके बाद टीम का हिस्सा होंगे युजवेंद्र चहल, रविंद्र जडेजा, शिखर धवन, मयंक अग्रवाल व जसप्रीत बुमराह, केदार जाधव, हार्दिक पांड्या, ऋषभ पंत, KL राहुल, मोहम्मद शमी, रोहित शर्मा, कुलदीप यादव और भारतीय टीम के नए कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों धोनी की कप्तानी के अंडर यही है वह 15 खिलाड़ी जो कि आप सभी को भारतीय टीम का हिस्सा बनते हुए दिखेंगे। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या महेंद्र सिंह धोनी को विराट कोहली को हटाकर अब भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।